आज का हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का आर्किटेक्चर क्या होता है और कैसे वर्क करता है वो हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे। द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट इज एवर चेंजिंग ड्यू टू कंटिन्यूस चेंजेस इन द टेक्नोलॉजीज एज वेल एज द नेचर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। द हेट्रोजेनिटी एंड वास्टनेस ऑफ द इंटरनेट मेक इट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट्स आर्किटेक्चर। द ओवरऑल आर्किटेक्चर कैन बी डिस्क्राइब इन थ्री लेवल्स। पॉइंट नंबर वन, बैकबोन ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सेकेंड, रीजनल ISPs। थर्ड होता है क्लाइंट। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम से समझते हैं, इस डायग्राम से क्या क्या चीजें। बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में ऐसा कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट होता है बैकबोन। मीन्स बैकबोन यहाँ हम लोग उसको बोलते हैं जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो जनरली बहुत सारे रूटर्स, डेटा सेंटर्स, स्विचेस, ये सारे जो यहाँ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, जो यहाँ पे हम लोग डिवाइसेस देखते हैं, रूटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, हब हो गया, गेटवे हो गया, या फिर जो हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, तो वो सारे चीजें हमारे इंटरनेट का बैकबोन होता है। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर इस वर्ल्ड में अवेलेबल है, लाइक बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है, लाइक जैसे कि जियो है, एयरटेल है, BSNL हो गया, MTNL हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो अवेलेबल होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपने पास क्लाइंट कंप्यूटर नहीं रखते, उन लोग सिर्फ सर्वर्स, रूटर्स, स्विचेस, ठीक है, हब हो गया, गेटवे हो गया, इस टाइप की डिवाइसेस का कलेक्शन रखते हैं और उसको आपस में कनेक्ट करके रखते हैं ताकि वो उस बैकबोन के थ्रू अपना नेटवर्क बना सके। अब उस रूटर से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इस टाइप के बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये मेन हमारा जो बैकबोन होता है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को आपस में जोड़ता है। जैसा कि हमने देखा था, सबमरीन मैप देखा था, तो एक नेटवर्क था जिसमें हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के पूरे लाइंस देखे थे। तो उससे होता क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे लाइंस कनेक्ट होंगे। लाइक अगर मैं उसको बताऊं, बैकबोन ISP जो होता है वो इतना इजीली मिलता नहीं है, इसके लिए बहुत अलग अलग कंट्रीज के सपोर्ट की जरूरत होती है और यहाँ पे हम लोग उसके बाद ले पाते हैं। तो बैकबोन ISP जो होता है वो मेन ISP होता है जिसके थ्रू हम लोग सर्विस कनेक्ट कर पाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में। बैकबोन ISP मान के चलो यहाँ पे अपने कंट्री में जियो है, ठीक है। अब जो दूसरे कंट्रीज की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कोई दूसरे कंट्रीज की, ठीक है, तो दूसरे कंट्री में मान के चलो एयरटेल है। एयरटेल क्या है, ठीक है, दूसरे कंट्री का ISP मान लो, या अमेरिका, अमेरिका है। अब इसने क्या किया, अपने जितने भी अमेरिका के स्टेट्स है, ठीक है, US, UK, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपने अपने स्टेशन बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी स्टेशन, और इस स्टेशन से क्लाइंट कनेक्ट होता है इस प्रकार से। तो जो भी क्लाइंट, यहाँ जो क्लाइंट है वो क्लाइंट इससे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। अब वो पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे जा रहा है, इस क्लाइंट इस प्रकार से जा रहा है, क्लाइंट जो है रीजनल ISP से कनेक्ट है, रीजनल ISP जो है इस बैकबोन से कनेक्ट है, ठीक है, ठीक है, इस बैकबोन से कनेक्ट है, इस बैकबोन से वो फिर दूसरे कंट्री से कनेक्ट है, फिर इस प्रकार से वो पूरा का पूरा हायरार्की मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग आर्किटेक्चर की बात करें तो मेन आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार से ही वर्क करता है। तो यहाँ पे तीन चीजें होती है हमारे पास, बैकबोन ISP, रीजनल ISP और क्लाइंट। ओके, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल किसी भी नेटवर्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम लोग पूरा का पूरा नेटवर्क की जो सर्विसेज है उसको एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ए क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्किंग मॉडल इज ए मॉडल इन विच कंप्यूटर सच एज सर्वर्स provides the network services to the other computer such as client to perform a user based task. ठीक है, this model is known as client server networking model. Okay, तो यहाँ client server networking model में क्या है, अगर मान के चलिए simple सा कोई example लेता हूँ कि हम लोग कोई भी user से task करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा base बना देते हैं जिसमें वो आके work करता है। ठीक है, लाइक जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उन लोग के एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बने होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फेसबुक, फेसबुक क्या है, ठीक है, फेसबुक जो है हमारा वो एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन इस सर्वर पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, किस पे इंस्टॉल्ड है, इस सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, सर्वर पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, लेकिन उसको यूज कौन करता है, ये क्लाइंट यूज करता है। क्लाइंट मीन्स हम जैसे यूजर्स, हम यूज करते हैं। तो जो सर्वर है, ठीक है, वो सारा लोड जो है उसके ऊपर होता है। ठीक है, इस सर्वर से पूरा नेटवर्क कनेक्ट है, मींस वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हुए हम लोग को क्लाइंट को सर्विस दे रहा है। अभी सर्विस कैसे देगा, जब तक क्लाइंट जो है उसको रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा ये सर्वर रिस्पांस नहीं करेगा। इसको क्या सेंड करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहां से क्या देगा, रिस्पांस। ठीक है, अगर मान के चलो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट किया है www.google.com। ठीक है, ये रिक्वेस्ट किया, किससे रिक्वेस्ट किया, कोई भी सर्वर से रिक्वेस्ट किया। ठीक है, जो सर्वर है वो अपने लोकेशन पे सर्च करेगा कि google.com कहाँ पे पार्क किया हुआ है और वहां पे जाएगा और उसको वहां से रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सेंड करेगा, यहां से रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो क्लाइंट और सर्वर जो यहाँ पे आर्किटेक्चर या फिर मॉडल हम लोग देख रहे हैं वो रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है हम लोग का यहाँ पे, तो वहां पे कोई सर्वर होगा और जो जितने भी वहां पे एंड यूजर्स है वो सारे क्लाइंट होंगे। ठीक है, जो भी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो वो हम लोग जनरली ब्राउजर पे यूज करते हैं, ब्राउजर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर क्या है, हमारा क्लाइंट है। ठीक है, और जो हमारा सर्वर है, ठीक है, सर्वर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के अलग अलग सर्वर होते हैं। फेसबुक का सर्वर अलग होगा, ठीक है, गूगल का सर्वर, ठीक है, जीमेल का सर्वर, ठीक है, याहू का सर्वर, ठीक है, सबके अलग अलग सर्वर्स होंगे। तो सब सर्वर क्या होता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजते हैं, मान के चलो मुझे google.com खोलना है तो मैं क्या रिक्वेस्ट डालूंगा, google.com, एंटर हिट किया। ठीक है, एंटर हिट किया, वो किसके पास रिक्वेस्ट गया, सर्वर के पास। अब ये सर्वर हम लोग को नहीं पता चलेगा कि सर्वर कहाँ है, ठीक है, क्योंकि पूरे दुनिया में कम से कम करोड़ों सर्वर्स हैं, ठीक है, करोड़ों सर्वर्स हैं, ठीक है, करोड़ों सर्वर जो है ये सारे एप्लीकेशंस के लिए जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट गया इस सर्वर पे, अब सर्वर इस google.com को सर्च करेगा कि ये सर्वर किस लोकेशन पे पार्क है। सबसे पहले तो इसका लोकेशन जानेगा कि जो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रहा है वो किस लोकेशन से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इंडिया से। ठीक है, तो कहाँ, किसके सर्वर पे जाएगा, वो इंडिया के सर्वर पे जाएगा
और इंडिया के सर्वर पे जाएगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा और इंडिया के सर्वर से ही उसको रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल चीज ये है कि जो क्लाइंट है और सर्वर है, ठीक है, जितनी भी चीजें हम लोग इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और वहां से हम लोग का जो रिस्पांस आता है वो सर्वर से आता है। कोई दूसरा क्लाइंट जो है वो उसको रिस्पांस नहीं देता है कभी भी। तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो इंटरनेट पे 100% वर्क करता है। ठीक है, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानने मान के चलो व्हाट्सएप में मैसेज किया, ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज किया, हाय हाय मैंने मैसेज किया। अब वो मैंने मैसेज किया तो एक रिक्वेस्ट सेंड होगा सर्वर पे कि ये मैसेज जो है वो, ठीक है, जो भी नंबर है मान लो कि 9827130 ऐसे कुछ 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 नंबर है, ठीक है, इस पे सेंड करना है ये मैसेज। उसने सेंड कर दिया। अब उस मैसेज सबसे पहले किसके पास जाएगा? सर्वर पे जाएगा। सर्वर पे गया, वहां सिंगल टिक मिल गया, सर्वर के पास पहुंच गया। अब सर्वर क्या करेगा, जो थर्ड क्लाइंट है, थर्ड क्लाइंट है हमारा, ठीक है, उसके पास इसको सेंड करेगा। अब ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट को, ठीक है, क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेगा कि एक मैसेज जो है वो आपको सेंड करना चाहता है, तो ये एक्नॉलेज करेगा इसको कि हाँ मुझे मैसेज रिसीव होना चाहिए, तो यहाँ पे वो मैसेज रिसीव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये सेंड करेगा सबसे पहले इस सर्वर को, तो वहाँ सिंगल टिक मिल जाएगा, फिर देन इसके बाद ये फॉरवर्ड करेगा। तो इस टाइप से क्लाइंट और सर्वर के बीच में ही हम लोग कभी भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर मॉडल इस प्रकार से काम करता है। तो क्लाइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सर्वर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वर के बिना क्लाइंट नहीं चल सकता और क्लाइंट के बिना सर्वर नहीं चल सकता। ठीक है, सर्वर बना दिए लेकिन उसके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है तो सर्वर का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर क्लाइंट है लेकिन सर्वर नहीं है तो इस क्लाइंट का कोई मतलब नहीं है। तो क्लाइंट और सर्वर जो होगा वो आपस में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, तभी डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। और दोनों का आपस में इंटरनेट या फिर किसी नेटवर्क से जुड़ा होना जरूरी है। ठीक है, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज नोन एज क्लाइंट प्रोग्राम रनिंग ऑन द लोकल मशीन दैट रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस फ्रॉम एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज नोन एज ए सर्वर प्रोग्राम रनिंग ऑन द रिमोट मशीन। ठीक है, जो क्लाइंट हम लोग जिसको बोलते हैं, जो एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, लाइक वेब ब्राउजर होते हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आजकल जितने भी एप्लीकेशन होते हैं मैक्सिमम एप्लीकेशन इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और वो रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे जो हमारे इंडिविजुअल सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होते हैं और हम लोग उससे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सारे क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, सर्वर प्रोग्राम जो होंगे वो सर्विस देने का काम करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, तो ये सारे क्या है, वो सर्वर पे इंस्टॉल किया जाता है। वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने क्लाइंट को, जो कुछ ना कुछ क्लाइंट का काम आसान कर रहा है। ठीक है, उस टाइप की उसको सर्विस दे रहा है, या तो कुछ ऐसी सर्विस दे रहा है, या तो एंटरटेनमेंट की सर्विस दे रहा है, या कोई भी ऐसी सर्विस दे रहा है जो यूजर के काम का हो। इस टाइप की सर्विस के लिए जो एप्लीकेशन यूज होता है वो सर्वर प्रोग्राम होता है, और पूरा का पूरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना और सर्विस वहां से देना या फिर रिस्पॉन्स देना, ठीक है, तो ये भी सर्वर प्रोग्राम में ही आता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर प्रोग्राम। वो सर्वर प्रोग्राम उस सर्वर पे इंस्टॉल्ड है जो रिमोट लोकेशन पे कहीं पे जाके रखा हुआ है, और वहीं से उसको रिक्वेस्ट भी मिलता है और वो रिस्पॉन्स भी वहीं से करता है। ए क्लाइंट प्रोग्राम रन्स ओनली व्हेन इट रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस फ्रॉम द सर्वर
while the server program runs all the time, as it does not know when its service is required. ठीक है, क्लाइंट प्रोग्राम जो कब रन करेगा, जब वो रिक्वेस्ट भेजना चाहता है. ठीक है, लेकिन जो सर्वर प्रोग्राम होता है, सर्वर हमेशा चालू होता है, सर्वर हमेशा ऑन होता है, 24/7 वो ऑन होता है और वो हमेशा सर्विस देता रहता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो हम लोग नेटवर्क प्रोवाइडर यूज करते हैं, ठीक है, जैसे एयरटेल, जियो, 24 आवर्स चालू रहता है, कभी बंद नहीं होता. ठीक है, अगर मान के चलो 10 मिनट के लिए भी बंद हो गया तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे सर्वर डाउन हो गया, बंद हो गया. ठीक है, तो अगर मान के चलो वैसा ही होता कि टाइम टू टाइम सर्वर चलता, तो हम लोग का रिक्वेस्ट जो है वो टाइम टू टाइम ही जाता. लेकिन सर्वर को कभी भी नहीं पता होता है कि हम लोग का रिक्वेस्ट कब वहाँ पे आने वाला है. ठीक है, कौन सा क्लाइंट कब रिक्वेस्ट कर दे और कब कौन सी सर्विस की उसको जरूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे इसीलिए सर्वर हमेशा ऑन रहता है. ए सर्वर प्रोवाइड्स ए सर्विस फॉर मैनी क्लाइंट्स, नॉट जस्ट फॉर ए सिंगल क्लाइंट. जो सर्वर होता है उससे जितने भी क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं या फिर उस एप्लीकेशन को जितने लोग भी यूज़ कर रहे हैं, सबको सर्विस देगा. ऐसा कभी नहीं बोलेगा मैं इस क्लाइंट को सर्विस नहीं दूंगा, मैं उस क्लाइंट को सर्विस नहीं दूंगा. ठीक है, ऐसा कभी नहीं बोलता. ठीक है, वो हर एक क्लाइंट को सर्विस देगा. देयरफॉर वी कैन से दैट क्लाइंट सर्वर फॉलोज द मैनी टू वन रिलेशनशिप. मैनी क्लाइंट्स कैन यूज द सर्वर ऑफ वन सर्वर, सर्विस ऑफ वन सर्वर. एक सर्वर की जो सर्विस है वो बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो उसका लाभ ले सकते हैं. सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंटली एंड मैनी यूजर हैव स्पेसिफिक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम अलाउज द यूजर टू एक्सेस द फाइल्स, सेंड ईमेल एंड सो ऑन. इफ द सर्विसेज आर मोर कस्टमाइज, देन वी शुड have one generic application that allows the user to access the service available on the remote computer. ठीक है, अगर हम लोग मान के चलिए कोई client server application use कर रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, files को access कर सकते हैं, email send कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें कर सकते हैं. अगर कोई ऐसा program है जो particular एक ही service दे रहा है, ठीक है, जैसे YouTube है, YouTube के एक ही सर्विस दे रहा है, वो सिर्फ वीडियो में हम लोग उसमें अपलोड कर सकते हैं और उसमें वीडियो देख सकते हैं, बस वही एक सर्विस देता है वो. ठीक है, तो पर्टिकुलरली वो सर्वर जो है वो उसी के लिए होगा और उसका ही एप्लीकेशन वहाँ पे यूज़ किया जाता है. तो सर्वर वहाँ पे उस YouTube के लिए डेडिकेटेड सर्वर का यूज़ किया जाता है. डेडिकेटेड सर्वर वहाँ यूज़ होगा, वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए ही होगा. तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग अगर कोई एप्लीकेशन पर्टिकुलरली हम लोग यूज कर रहे हैं और उसके लिए अलग से भी सर्वर हम लोग बना सकते हैं. तो ये था क्लाइंट सर्वर मॉडल.